हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर क्लासेज। ये वीडियो सीरीज एग्रीकल्चर एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं या SRF, JRF, ICR, BHU और भी जो अदर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जितनी भी अभी तक की एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं कार्यक्रम लॉन्च हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो भी PDF के साथ। तो आप ये वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर जितनी भी स्कीमें लॉन्च हुई है, जितनी भी अपने कृषि मंत्रालय के थ्रू जितनी भी स्कीमें लॉन्च हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारे स्कीमें लॉन्च हुई है, डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो हम उन स्कीमों को कंप्लीट करेंगे जल्द ही, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम दो स्कीमें पढ़ेंगे, PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी SHC सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला हमारा जो स्कीम है, जो करंट अफेयर है, या सॉरी अपने जो एग्रीकल्चर स्कीम है PMFBY, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। पहला ये बता दूं मैं आपको कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्रीकल्चर स्कीम से, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये पूछता है ये किसने लॉन्च की, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुई है, ठीक है, किसने लॉन्च की, ये हो जाएगा अपना कृषि मंत्रालय के द्वारा, और किसने लॉन्च की, श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, जो पर्सन लॉन्च करता है वो उसके बारे में और किसने लॉन्च की है उसके बारे में, दो चीजें। तीसरा ये पूछता है इसका एम क्या है, ठीक है, तीसरा ये पूछता है इसका एम क्या है, किस लिए लॉन्च कर रहे हैं ये, और चौथा ये पूछता है कि कब से कब तक है, ठीक है, ड्यूरेशन पूछता है कब से कब तक ये स्कीम रहेगी, पांचवा ये पूछता है इसका बजट कितना है, ठीक है। पांच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर स्कीम्स से, ठीक है, तो वो हम पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जितनी भी स्कीमें होगी हमारी, ठीक है। तो देखते हैं हम आज की स्कीम। फ्रेंड्स थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगा, गला बैठा हुआ है, तो प्लीज कॉर्पोरेट कीजिएगा। पहला है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द न्यू स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑन 13 जनवरी 2016। पहले कब लॉन्च हुई है इस चीज का ध्यान रखना है, 13 जनवरी 2016 को किसने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, इसका अनावरण किया है 13 जनवरी 2016 को, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, दिस स्कीम विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ प्रीमियम्स ऑन फार्मर्स हु टेक लोन्स फॉर देयर कल्टिवेशन, विल ऑल्सो सेफगार्ड देम अगेंस्ट द इनक्लीमेंट वेदर, ठीक है। ये लोन ये स्कीम किनको हेल्प करेगी, फार्मरों को, जो उनका प्रीमियर है, जो लोन लेते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए, उसके प्रीमियम को जो ब्याज देते हैं उसको कम करने के लिए, और सेफ गार्ड देम अगेंस्ट द इंक्लीमेंट वेदर, जो वातावरण है, जो अपने जो भी धूप, ज़्यादा धूप या फिर बारिश या ओले से जो भी समस्या होती है फसल को ज़्यादा बारिश से, उसके सेफ गार्ड के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PMFBY इज रिप्लेसमेंट स्कीम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो PMFBY है वो किस योजना को रिप्लेस करके बनाई गई है, जैसे कि पहले भी योजनाएं होती है तो उनको उनको उसमें जो दिक्कतें होती है उनको सोल्व करके और उनमें क्या और अपन नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नई गवर्नमेंट ये कार्य करती है, ठीक है। तो क्या किया है, PMFBY इज रिप्लेसमेंट स्कीम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिप्लेसमेंट करके बनाया गया है, और उसको क्या किया गया है, मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स एंड हैंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सर्विस टैक्स। जो PMFBY स्कीम है इसके अंदर क्या कहा गया है, जो पहली बात तो ये रिप्लेसमेंट है किसका, जो पहले स्कीम थी अपनी NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसको रिप्लेस करके इसका नाम दिया गया है PMFBY, ठीक है। लेकिन इसमें एक बढ़िया फायदा क्या किया है किसानों के लिए, जो सर्विस टैक्स लगता था NAIS में, ठीक है, जो पहले की सरकार में जो सर्विस टैक्स लगता था उसको इसमें हटा दिया गया है PMFBY में, ये बहुत बड़ा फायदा है किसानों के लिए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सर्विस टैक्स, ठीक है। ये जो अपना
डार्क ब्लैक वर्ड है, ये जो मेन मेन हेडिंग है उसके लिए ये डार्क ब्लैक वर्ड है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या डिस्कस किया गया है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सर्विस टैक्स, ठीक है। जो पुराना सर्विस टैक्स लगता था पहले की स्कीमों में फार्मर्स के लिए, उस सर्विस टैक्स से इस स्कीम में छुटकारा दिए लाया गया है PMFBY में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियर ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाय फार्मर फॉर ऑल खरीफ क्रॉप एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप। इन केस ऑफ एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स द प्रीमियम टू बी पेड विल बी ओनली 5%, ठीक है। जो किसान लोन वगैरह लेता है, ठीक है, उस पर उनको ब्याज देना पड़ता है, ब्याज सबसे कम, ठीक है, 2% ब्याज, किस पे, ऑल खरीफ क्रॉप, ठीक है, और 1.5% किस पे, रबी क्रॉप पे, ठीक है। रबी कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ कौन सी क्रॉप होती है, इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन है कॉर्नर में, वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, रबी क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन में क्या कह रहा है, जो यूनिफॉर्म जो प्रीमियर है, जो ब्याज लगता है जो फार्मर्स के लिए, वो 2% तो है खरीफ क्रॉप पे और 1.5% है रबी क्रॉप पे, ठीक है। और एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है, जो कमर्शियल है जो व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाती है, और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है कौन कौन सी, जैसे जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं अपने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, अनार, अंगूर, आम, इन पे कितना ब्याज है, 5%, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द प्रीमियम रेट्स टू बी पेड बाई फार्मर्स आर वेरी लो, ठीक है। ये जो बहुत ही लो है, क्योंकि मॉर्गेज लोन वगैरह, होम लोन वगैरह में 12%, 15%, 20% लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे सिर्फ 2% और 1.5% है, 15 गुना ज्यादा लेते हैं। और भी अलग स्कीमों पर, मॉर्गेज हुआ, होम लोन हुआ, और भी कोई अदर लोन हुआ, 15-20% लेते हैं, लेकिन इस पे सिर्फ 2% खरीफ पे और 1.5 फॉर रबी पे, ठीक है। और 5% किस पे लेते हैं, कमर्शियल, जो व्यवसायिक स्तर पर जो बड़े किसान हैं, जो जिनके पास ज्यादा जमीन है, अगर ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाते हैं, उनके लिए 5% है, ठीक है। द प्रीमियर रेट्स टू बी पेड बाय फार्मर्स आर वेरी लो एंड बैलेंस प्रीमियर विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल इंश्योर्ड अमाउंट द फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस इन एनी नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो ब्याज है फार्मर्स का, जो भी जितना भी लोन लेता है कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, वो लोन, उस लोन का सिर्फ उनको ब्याज देना है, फार्मर को क्या देना है, सिर्फ ब्याज। ब्याज भी किस हिसाब से, 2%, 1.5% और 5%, इस हिसाब से ब्याज देना है, ठीक है। और जो मूल जो उसका बैलेंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से माफ है इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत जो मेन बैलेंस जो लेता है, मान लो किसान 1 लाख रुपए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए लेता है, ठीक है, उसमें सीड सोइंग, मशीनरी वगैरह, जितने भी प्लोइंग वगैरह खर्चा आता है, 1 लाख रुपए वो कल्टीवेशन के लिए लेता है, तो ठीक है, जो 1 लाख रुपए पे जो ब्याज बनता है 2%, सिर्फ जो ब्याज है वो फार्मर को पे करना होगा बैंक को, ठीक है, इसकी स्कीम के अंतर्गत। और जो 1 लाख रुपए है इस स्कीम के अंतर्गत वो माफ हो जाएंगे, सिर्फ ब्याज पे करना पड़ेगा। और आगे क्या बोल रहा है, फुल इंश्योर्ड अमाउंट टू बी फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस इन एनी नेचुरल क्लेमिटीज, ठीक है। अगर जो ज्यादा बारिश आ गई, या फिर ओले पड़ गए, या फिर किसी और अन्य कारण से फसल बर्बाद हो गई, तो फार्मर को ना ही ये ब्याज पे करना पड़ेगा, ठीक है, ना ही ये 2%, 1.5% और 5% ब्याज पे करना पड़ेगा, और ना ही उसे मेन बैलेंस जो उसने लिया है वो पे करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नष्ट हो जाता है तो, और जितनी उसने फसल लगाई होगी इस स्कीम के तहत, जितनी उसकी नष्ट हुई होगी उसके तहत, उसको PMFBY के थ्रू पैसा दिया जाएगा उस फार्मर्स को, ठीक है। फार्मर्स को तो फ्रेंड्स पैसा दिया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट तक सबके पास पैसा आता है, लेकिन जो अपने जमीनी स्तर पर जो लोग होते हैं, जो फार्मर को पैसा दिलाते हैं, वो उसमें से बिचौलिए जो थोड़े बहुत जो खा लेते हैं स्कीम को, लोन को पास करने के चक्कर में, और उसके अंदर अपना कमीशन वगैरह इस तरह के, तो ये बहुत गलत चीज़ है। फार्मर को इस चीज़ का पूरा पैसा नहीं मिल पाता, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोन्स करती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो फार्मर्स और
सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो काफी सारे अधिकारी जमीनी स्तर पर पटवारी वगैरह है उनके पास, वो इस स्कीम के तहत काफी कमीशन और पैसा खा जाते हैं बिचौलिए के रूप में, ठीक है। तो इस वजह से फार्मर्स क्या काफी कारण है, यही कारण है जो फार्मर अपना जो कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है और कभी कभी काफी टेंशन में रहता है, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए, हम जो मेन स्कीम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, देयर इज ए अपर लिमिट, देयर इज ए नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, इवन इफ बैलेंस प्रीमियर इज 90% इट विल बी बोर्ने बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो एक तो जो मेन बैलेंस लिया वो, ठीक है, एक ब्याज, ब्याज तो किसान को देना पड़ता है अगर फसल सुरक्षित रही तो, अगर सुरक्षित नहीं रही तो ब्याज और मूल कुछ नहीं देना पड़ता है, ठीक है, ब्याज। लेकिन और जो ब्याज देता है किसान, जो मूल है उसका 90% भी होता है तो भी वो गवर्नमेंट की तरफ से माफ है, उसका सिर्फ ब्याज ब्याज देना पड़ता है। अगर फसल नष्ट हो गई तो ब्याज और मूल किसी को कुछ नहीं देना पड़ता है, गवर्नमेंट उसको सिक्योर इंश्योरेंस उसका जितना भी उसने लगाया होता है उसके हिसाब से उसको पैसा देती है, ठीक है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी इनकरेज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू कैप्चर एंड अपलोड डेटा ऑफ क्रॉप कटिंग टू रिड्यूस द डिलेज इन द क्लेम पेमेंट, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इस स्कीम को पूरा जमीनी स्तर पर फैलाने के लिए, वो क्या है, स्मार्टफोन वगैरह है सबके पास है आजकल लगभग, रिमोट सेंसिंग ड्रोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन जो ड्रोन होते हैं कैमरे लगे होते हैं उनके ऊपर हवा में उड़ते हैं जो ड्रोन उनको बोलते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। उसके थ्रू जो सेंसर लगे होते हैं उसके थ्रू पता लगा लेते हैं इस एरिया में कितनी क्रॉप नष्ट हुई है, कितना क्या है, ठीक है। एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी, जीपीएस अपना जो जीपीएस के थ्रू जो अपने सैटेलाइट है उसके थ्रू पता लगा लेते हैं इस एरिया में इतनी क्रॉप नष्ट हुई, बाढ़ या तूफान वगैरह आते तो उसके थ्रू इतनी नष्ट हुई, इतनी क्या क्या हुई, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस स्कीम में पता लगाया जाता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ द स्कीम प्रेजेंटेड इन बजट 2016-2017 इज रुपीज 5,550 रुपीज करोड़, ठीक है। जो स्कीम में जो अलॉट किया गया, कितना बजट की अलॉट किया गया है 2016-2017 में, वह है 5,550। फ्रेंड्स बजट पूछता है कि किस स्कीम में कितना बजट लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये बजट को याद रखना, ये आंकड़ा जो फैक्ट है इसको याद रखना, ठीक है। कितना है, 5,550 2016-2017 के लिए अलॉट किया गया था, ठीक है। और करंट फाइनेंशियल ईयर 2017-2018, सॉरी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 द गवर्नमेंट हैड अलॉटेड रुपीज 9,000 करोड़ इज द बजटेड एस्टिमेट फॉर द स्कीम, और जो करंट साल चल रहा है हमारा इस बजट का फाइनेंशियल ईयर उसके लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है, 9,000 करोड़, 9,000 करोड़, ठीक है। और जो 2018-2019 अगला जो बजट आने वाला है उसके लिए कितना लॉन्च किया गया है, 13,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, 44% इंक्रीज किया गया है इसके मुकाबले, ठीक है, इसके मुकाबले कितना इंक्रीज किया गया है, 44% इंक्रीज किया गया है 13,000 करोड़ 2018-19 से। तो ये तीनों आंकड़े आप याद रखना, 5,550 2016-17 में, 9,000 2017-18 में, और 13,000 2018-19 में आने वाले साल में, ठीक है। द इंश्योरेंस प्लान विल बी हैंडल्ड अंडर ए सिंगल इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो ये स्कीम है जो इंश्योरेंस है वो कौन से इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में है ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स के अंतर्गत, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स या फिर कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो, कि जो PMFBY है ये किसके अंतर्गत लॉन्च हुई, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत लॉन्च हुई है, तो ठीक है। तो आंसर क्या है इसका हमारा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट लाइन है हमारी आज की, PMFBY के स्कीम के अंतर्गत स्पेशल अफोर्ट्स शैल बी मेड टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ SC/ST वुमेन फार्मर्स अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत मोस्टली किन किन फार्मर्स पे ध्यान देने के लिए बात की गई है, मोस्टली ध्यान तो सारे फार्मर्स पे देना है लेकिन जो मोस्टली ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, SC/ST के जो फार्मर है उन पे और जो वुमेन फार्मर्स है उनके ऊपर, ठीक है। तो जितनी हमारी स्कीम थी, स्कीम से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स थे PMFBY के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की हमारी सेकेंड स्कीम है और उसके बारे में पढ़ेंगे हम, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर स्कीम में, इससे रिलेटेड AFO में, AAO में और जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है।
सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, क्योंकि क्वेश्चन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अगर पूछता है तो इन्हीं के बारे में पूछता है, ठीक है। और क्या पूछेगा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में, जो स्कीमें योजनाएं प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो सेकंड स्कीम हमारी सोयल हेल्थ कार्ड। सोयल हेल्थ कार्ड SHC इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जो SHC है, सोयल हेल्थ कार्ड है, वो किसके अंतर्गत, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च हुई है, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। और किसके अंतर्गत लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। सेकंड लाइन हमारी ASHC मीन टू गिव इच फार्मर सोयल न्यूट्रिएंट्स स्टेटस ऑफ हिज हर होल्डिंग एंड एडवाइज हिम हर ऑन द डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो द नीडेड सोयल अमेंडमेंट्स दैट सी ही शुड अप्लाई टू मेंटेन सोयल हेल्थ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। जो स्कीम है वो किसान को उसके मिट्टी की जानकारी देना है कि उसकी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है, और किस हिसाब से उसको मेंटेन करे और किस हिसाब से उसके अंदर खाद दे, ठीक है। इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ हिज सोयल विथ रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स, नेमली NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स S, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स JNFE, CuMnBO, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड PH, EC, OC, फिजिकल पैरामीटर। जो स्कीम है वो 12 चीजों को ध्यान में रख के उसको लॉन्च की गई है, कि इन 12 चीजों के अंतर्गत उसको इस सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर, स्कीम के अंदर उसको 12 चीजों के बारे में जानकारी रखनी, उसकी जमीन की 12 चीजों के बारे में। कौन कौन सी, एक तो NPK जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। NPK मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर, ठीक है। इन 12 पैरामीटर को ध्यान में रख के उसको किसान को उसके बारे में बताना कि आपकी जमीन में ये कम है, ये ज़्यादा है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कम है या ये ज़्यादा है, ठीक है। उस चीज़ को लेके उस कार्ड में उसको व्यवस्थित बताना है, ठीक है। तो 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन सी है, NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिशन सल्फर, JNFE, जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज और बीओ, बोरोन, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से, PH, सोयल की PH क्या है, ठीक है, EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, OC, ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सबसे कम किस में पाया जाता है, वेस्टर्न जो सोयल है, जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है उसमें OC, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, सबसे कम उसी में पाया जाता है, सैंडी सोयल राजस्थान की पश्चिमी मृदा में, ठीक है। कितना पाया जाता है, 0.01, ठीक है, 0.01%, ठीक है, OC। तो ये 12 जो पैरामीटर है इनके बारे में सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में फार्मर्स को बताना है, ठीक है। अभी तक 100 मिलियन हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं फार्मर्स के बीच में, फर्स्ट फेज में, पहली अवस्था में, ठीक है। 2015 से 2017 के बीच में 100 मिलियन फार्मर्स को सोयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। सोयल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च टू हेल्प द फार्मर्स, ठीक है। एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, सोयल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप, ठीक है, उसके द्वारा फार्मर्स को मदद करने के लिए, ठीक है। GPS बेस्ड सोयल सैंपल कलेक्शन हैज बीन मेड कंपलसरी। जो हेल्थ कार्ड बन रहा है हर किसान का, उसके साथ साथ GPS के द्वारा जो एक सोयल हेल्थ कार्ड और बन रहा है, मतलब उस एरिया की, टोटल एरिया की मिट्टी कैसी है और उसके अंदर क्या खाद दें उसके बारे में, वो भी कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल एंड टेस्ट रिजल्ट आर अपलोडेड ऑन द नेशनल पोर्टल ऑफ द सोयल हेल्थ कार्ड। ए फार्म विल गेट द सोयल कार्ड वंस इन एवरी थर्ड ईयर, थ्री ईयर, ठीक है। जो जो भी उसका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है सोयल का, जो मिट्टी का, उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर दिया गया, वहाँ अपलोड कर दिया गया, ताकि कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर हुआ, स्टूडेंट हुआ या कोई भी अदर पर्सन हुआ, उसको वहाँ देख सके, डाटा चेक कर सके। और उस सोयल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टल पर लॉन्च किया गया, जो वेबसाइट है एग्रीकल्चर फार्मर्स की, उस पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो सोयल हेल्थ कार्ड है उसको 3 साल के अंतर्गत एक बार बनाना जरूरी है, ताकि उसकी मिट्टी में क्या कमी ज़्यादा है वो पता लग सके, ठीक है। और एक मेन चीज़ और रह गई सोयल हेल्थ कार्ड की, जो क्या है इसका स्लोगन क्या है, इसका थीम क्या है, वो क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। इसकी जो स्कीम की स्लोगन लाइन है और जो इसका थीम है वो क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। ये भी पूछता है कि इसकी स्लोगन या थीम क्या है, ठीक
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने दोनों दो स्कीमें देखी, पीएमएफबीवाई और एसएचसी सोयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और आगे हम जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीमें उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, सजेशन देना हो, वो कमेंट बॉक्स में एफबी पे लिंक पे है और इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। थैंक यू।